आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कन्नौज जिले की तिरवा कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के चलते सड़क हादसा पेश आया। सड़क हादसे में भाजपा के प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक के पिता और उनके एक रिश्तेदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुब्रत पाठक के पिता दिल्ली से वापस अपने घर कन्नौज की तरफ आ रहे थे, तभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से होकर कन्नौज की तरफ उतरते वक्त उनकी कार आगे खड़े एक ट्रक में जा घुसी, जिसमें पहले से ही कई गाड़ियां टकराई खड़ी थी। हादसे में सुब्रत पाठक के पिता और उनके एक रिश्तेदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने घायलों को कानपुर रेफर किया। आज सुबह तकरीबन 4 बजे का वक्त क्या है कि गाजियाबाद से वापस आते समय माननीय प्रदेश मंत्री श्री सुब्रत पाठक के पिताजी और उनके एक नजदीकी रिश्तेदार वो हादसे का शिकार हो गए एक्सप्रेस वे पे। कन्नौज जो एक्सप्रेस वे उतरने से पहले उनकी गाड़ी जो है टकरा गई, पीछे से किसी बस ने भी टक्कर मारी है। 3-4 गाड़ियों की टक्कर हुई है, जिसमें ऑन स्पॉट सुब्रत पाठक जी के पिताजी की और एक उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ घायल भी हुए, कुछ 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको कानपुर रेफर किया गया। आगरा एक्सप्रेस वे पे आप एक साइड में डंपर खड़ा था, लगभग ये घटना 4 बजे के करीब है, जिसमें उधर से आगरा एक्सप्रेस वे गाड़ियां आ रही थी, डंपर में लड़ गई। उनके पीछे एक बस आ रहा था, बस से भी पीछे से 4-व्हीलर गाड़ियों को ठोक दिया, जिसके वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 लोग कानपुर रेफर किए गए। इसमें जिनकी मृत्यु हुई है वो भाजपा के प्रदेश मंत्री श्री सुब्रत पाठक के पिताजी हैं और उनके एक रिलेटिव हैं। कन्नौज में 4 बच्चों के पिता ने युवती को गोली मारकर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि 4 बच्चों का पिता प्रेमी एक तरफा प्यार में पागल था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में प्रेमी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया। वहीं ग्रामीण इसे ऑनर किलिंग भी कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। हिम्मापुरवा गाँव है, यहाँ पर सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमे एक लड़की है प्रीति उर्फ सोनी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जूनियर स्कूल में पढ़ाती थी प्राइवेट तौर पे, और इन जो सतीश यादव हैं, सतीश कुमार यादव, सन ऑफ अमर सिंह, ये इनका ये स्कूल है। तो आज बताया जा रहा है कि इन दोनों को वहां पर गोली लगी है, जिसमें सतीश कुमार की मृत्यु हो गई है और लड़की घायल अवस्था में तिरवा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराई गई और वहां से उसको कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। लड़की ने जो भी बयान दिया है उसके अनुसार उसने कहा कि सतीश कुमार ने ही गोली मारी और फिर खुद अपने को मार लिया है। अब इस विषय में जो भी सत्यता है उसकी रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। इसमें रामपुर के शाहबाद क्षेत्र की एक सहकारी समिति के पूर्व सभापति समेत 3 लोगों पर नाबालिग युवती के अपहरण का आरोप लगा है। अपहृत लड़की की मां ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं लड़की के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने भी आरोपियों से सांठगांठ कर ली है, जिस पर अब परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई। उधर पुलिस का कहना है कि लड़की किसी युवक के साथ चली गई है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रवाना की एक लड़की रहती थी सिरौली क्षेत्र में, अपनी रिश्तेदारी में। परसों वो आई थी, अपने घर पे आई थी, यहाँ पे रवाना, वहाँ से कह के आई थी मैं घर जा रही हूँ। वो रास्ते में किसी लड़के के साथ चली गई है, तो लड़का उसको बहला फुसला के ले गया है। मुकदमा कायम कर दिया गया, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के सचेंडी थाने क्षेत्र स्थित देबनपुरवा में एटीएम कार्ड से ठगी करने वालों को पकड़ने गई पुलिस पर दबंगों ने हमला बोल दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्पीड पोस्ट से आए एटीएम के जरिए एक शख्स ने 3 लाख रुपए की टप्पेबाजी की थी, जिसको पकड़ने पहुंची मैनपुरी पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला बोल दिया। वहीं पूरे मामले में स्थानीय पुलिस अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। मेरठ में पुलिस हिरासत से बदमाश फरार हो गया, जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ में घायल बदमाश मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, लेकिन इलाज के दौरान पुलिस हिरासत से वो फरार हो गया। पूरे मामले में पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि बदमाश की देखरेख कर रहे पुलिस कर्मी चाय पीने चले गए थे, जिसका फायदा बदमाश ने उठाया।
मेरठ में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक स्कूटी पर पलट गया। बामुश्किल स्कूटी सवार दो लोगों को ट्रक के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि लाल कुर्ती क्षेत्र के जीरो माल चौराहे पर मध्य प्रदेश नंबर की ट्रक बेकाबू होकर स्कूटी सवार दो लोगों पर पलट गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों लोगों को ट्रक के नीचे से निकाल लिया गया था। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र स्थित धौली प्याऊ मार्केट में देर रात चोरों ने अशोक गर्ग और चंचल ज्वेलर समेत खंडेलवाल जनरल स्टोर में सेंध लगा दी। चोर अंदर रखा हुआ लाखों का माल और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। सुबह दुकानदार को वारदात का पता चला तो पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कौशाम्बी गंगा ओवरब्रिज से एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके मुताबिक साहूकारों से परेशान होकर युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल गोताखोरों की मदद से पुलिस युवक की खोजबीन में जुटी थी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ संभल से अमरोहा में अमित शाह को काले झंडे दिखाने निकले थे, लेकिन पुलिस ने फिरोज खान और बाकी सपा कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक लिया। संभल की हयातनगर पुलिस ने सपाइयों को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसको लेकर पुलिस और सपाइयों के बीच झड़प हुई। गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सतबीर सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिशासी अभियंता पर आरोप है कि वो नशे में चूर होकर लोगों से बदतमीजी कर रहा था। उसने कुछ लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार का भी रौब दिखाया। सूत्रों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का ट्रांसफर रोड़की हुआ है, जिससे खुश होकर किसी परिचित के घर इन्होंने पार्टी रखी थी। पार्टी में इतने जाम छलके कि अधिकारी को अपना होश नहीं रहा। फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।